वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर फैक्ट्री बनने जा रही है ओला, और फाइनली अब ओला इलेक्ट्रिक ने ऑफिशियल इमेजेस को रिलीज कर दी है। आप देख सकते हो ये जो स्कूटर्स है ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ एडवांस और हाईटेक प्लेटफॉर्म्स के साथ बनाई गई है। इसकी जो फैक्ट्री है जहाँ पर इस तरह के स्कूटर्स को बनाया जाएगा तो उसका भी काम काफी जोरों शोरों से शुरू है। वैसे पिछले साल इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो एक पूरी अपनी ओन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और इसके लिए वो एक सेपरेट आर्म रखेंगे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट। फिर मई 2020 को एम्स्टरडेम बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी एट्रिगो बीवी को इन्होंने एक्वायर किया था फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। और अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है विद दिस जॉइंट वेंचर तो वो है ओलाज वर्जन ऑफ एट्रिगो ऐप स्कूटर। और इस तरह के स्कूटर्स को अब जल्द ही आने वाले कुछ हफ्तों के भीतर रोल आउट करने की बात रखी गई है। वैसे ये जो स्कूटर्स है तो ये इंडियन मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जो भी एक इंडियन की रिक्वायरमेंट है तो वो उसे पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो रेंज दी गई है तो वो तो 240 किलोमीटर की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि इसमें एक हाई एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरी को यूज किया गया है जो कि 240 किलोमीटर के रेंज को ऑफर करती है। वैसे इतने रेंज को तो देखे तो जो हमारी नॉर्मल बजट कार्स होती है तो वही दे पाती है लगभग। इसके अलावा चेरी ऑन द टॉप तो ये है, ये स्वैपेबल बैटरी ऑप्शन के साथ आएगी, सो डेफिनेटली इससे बेहतर तो और कुछ भी नहीं हो सकता। इससे जो भी हमारे मन की जो चार्जिंग एंग्जाइटी होती थी तो वो तो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी। फिर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो भी काफी ज्यादा मैसिव रखा गया है इंडिया के कंडीशन को ध्यान रखते हुए। फिर और भी जो स्पेसिफिकेशंस है तो उन्हें भी आने वाले समय में अब जल्द ही रिवील किया जाएगा। वैसे एम्स्टरडेम की जो कंपनी है जिनके साथ ओला ने टाइप किया है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक तौर से आप कह सकते हो ये भी काफी ज्यादा प्रो लेवल वाली कंपनी है। 2015 में इसे फाउंड किया गया था और डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस के मामले में तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि इन्होंने कई सारे मेजर ईवी मैन्युफैक्चरर्स जैसे जनरल मोटर्स, टेस्ला, फरारी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, इन कंपनीज के साथ काम किया है। वैसे अब ये जो फैक्ट्री बनाई जाएगी तमिलनाडु में तो ये इतनी ज्यादा आधुनिक और विशालकाय होगी कि ये अपने आप में ही एक परफेक्ट एग्जांपल होगी ऑफ इंडस्ट्री 4.0 और प्रगतिशील भारत की पहचान बन जाएगी। बिकॉज एक बार पूरा बन जाने के बाद ये फैक्ट्री कहलाएगी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, फिर वर्ल्ड की मोस्ट लार्जेस्ट टू व्हीलर सुटेबल और मोस्ट एडवांस हाईटेक टू व्हीलर फैक्ट्री। ये 100 एकड़ के फॉरेस्ट कवर में फैली हुई है और इससे जो कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट है तो वो तो न्यूट्रल छोड़िए नेगेटिव हो चुका है। लेकिन कंपनी यहीं पर नहीं रुकी, वो तो 2 एकर्स के फॉरेस्ट को फैक्ट्री के भीतर भी बनाने वाले हैं। यहाँ पर 3000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हो गए, फुल्ली ऑटोमेटेड वेल्डिंग पेंटिंग आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। वैसे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर 100% इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग देखने मिलेगी। अब कैपेसिटी की बात की जाए तो इनिशियली इसकी कैपेसिटी होगी 20 लाख स्कूटर्स पर ईयर की, लेकिन एक बार पूरी तरह से फुल्ली फ्लेज ऑपरेशनल शुरू हो जाने के बाद यहाँ पर 1 करोड़ टू व्हीलर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा हर साल। एक तौर से आप कह सकते हो कि लगभग 2 से 3 सेकेंड के भीतर एक काफी ज्यादा एडवांस स्कूटर इस फैक्ट्री से बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है प्राइस की। अब इसके सेगमेंट में जो भी स्कूटर्स आप देखोगे जैसे एथर 450X, बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूब, तो इनकी प्राइस लगभग 1.4-1.5 लाख ऐसी रखी गई है। लेकिन अब यहाँ पर कंपनी कह रही है कि ओला की ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी काफी ज्यादा हाईटेक स्कूटर, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 1 लाख रुपए से भी कम रखा जाएगा। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली अपने सेगमेंट में, और टू व्हीलर्स के मार्केट में एक काफी बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है इंडिया के भीतर। अब ये जो ओला की मैसिव मेगा फैक्ट्री है तो इसका साइज आप इस दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के टर्मिनल से कंपेयर कर सकते हो। ये काफी ज्यादा ह्यूमंगस है, इतने साइज में तो 150 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल समा जाए। अब ये जो मेगा फैक्ट्री है तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, और अगर आप एक्चुअल तस्वीर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 1.5 से 2 साल तो लग ही जाएगा इतने मैसिव फैक्ट्री को बनने में। लेकिन यहाँ पर भाविश अग्रवाल जो कि इसके कोफाउंडर है तो वो कहते हैं कि हमारी जो भी शेड्यूल्स और टाइमलाइंस है तो वो काफी ज्यादा टाइट है, और अभी हम जून से ही, यानी कि अब है मार्च, अप्रैल, मई, जून से ही इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। 20 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को यहां से हर साल मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ये अपने आप में ये काफी बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है। और यहां पर जो ऑटोमेशन का लेवल है तो वो भी काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, लगभग 90% ऑफ ऑटोमेटेड फैसिलिटी है विद कोर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अब कई लोगों के यहां पर कंसर्न्स भी निकल के आए थे कि इतने ऑटोमेशन से जो जॉब है तो वो तो खत्म ही हो जाएंगी लगभग, बट कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि हमारी इस फैक्ट्री से 10,000 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। वैसे इसका जो फर्स्ट बैच है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो एट्रिगो की नेदरलैंड बेस्ड फैसिलिटी है तो वहां पर ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बट जब ये मेगा फैक्ट्री बन के तैयार हो जाएगी
तब जून 2021 यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर के दौरान ही यहाँ पर 20 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कैपेसिटी को स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके अगले फेज में यानी कि 2022 तक इसकी संख्या पहुंच जाएगी लगभग 1 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हर साल की। तो कार्स के मामले में तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन नहीं आया, लेकिन अब जल्द ही हम कह सकते हैं कि टू व्हीलर्स के मामले में डेफिनेटली इंडिया में एक काफी मैसिव रेवोल्यूशन देखने मिलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफिकेशन।